पाउडर, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? छोटे मामा, फेस पाउडर, ये सब क्या बोल रहे हो? क्या पापा, फेस पाउडर थोड़ी ना लगाते हैं। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? फेस पाउडर दो ना। अरे लगाते तो हैं, क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? अच्छा, तुम लोग मुझे उल्लू बना रहे हो। अच्छा माँ, आप ही बताइए, आप तो बचपन में गर्मी के समय पूरे शरीर पर, पेट पर, पीठ पर, मुंह पर पाउडर लगाती थी और जाड़े में वैसलीन लगाती थी, बताइए ना। हाँ, लगाती तो थी। प्लीज प्लीज मुझे बख्श दीजिए, प्लीज जाइए आप लोग। हाँ हाँ, अब सुनो तो, फेस पाउडर, बिंदी, काजल से ही तुम्हें सजाना पड़ेगा, समझी? चाचा, युग बदल गया है अब। क्या बोलो? नहीं नहीं बोलो, बताओ तो सही, क्या? उसके बाद होता है बेस। मेकअप करने से पहले बेस लगाते हैं। क्या बोल रही है ये? हाँ? बेस मतलब? ये सब बेस वेस मुझे नहीं पता। उफ पापा, बेस मेकअप करने से पहले किया जाता है, उसके बाद पाउडर लगाते हैं और फिर आई शेडो लगता है, उसके बाद गाल पर ब्लश लगाते हैं। हाँ, उसके बाद लिप लाइनर, लिपस्टिक लगाते हैं। आप सभी मस्कारा को भूल गए, आँखों में मस्कारा भी लगाते हैं ऐसे। ए, क्या बोला इसने, मस्कारा? ए, मजाक चल रहा है क्या? हा? हम सब सीरियस काम कर रहे हैं और मुझे बोल रही है मस्कारा? अरे छोटे मामा, वो मस्कारा नहीं, मस्कारा है, आई लैश में लगाते हैं। आप ये सब नहीं समझेंगे चाचू, आप जाइए, प्लीज जाइए यहाँ से। नहीं, 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 हम नहीं जाएंगे, मर्द लोगों की नाक कटने नहीं देंगे। चलो शुरू करते हैं। चलिए चलिए, चलो चलो शुरू करो, शुरू करो, करो करो शुरू। चलिए चलिए, मैं ये नहीं होने दूंगी, आप लोग मुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे, प्लीज मैं जा रही हूँ, प्लीज। अरे अरे, देखो तो क्या कर रहे हैं। तुम लोगों से नहीं होगा। ए, आप लोग ना उसे जोकर बना दोगे, मैं बोल रही हूँ आपको। अच्छा, तुम लोग कर लोगे ना? क्या करेंगे ये तो इन्हें ही पता। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब, रहने दीजिए ना, प्लीज। ताना मारा है इन लोगों ने, पुरुष जाति को ललकारा है, हमारे दिल पर वार किया है, हैं? जागो पुरुष, जागो जागो, हैं? ओहो, मेकअप तो शुरू करो। मुझे मेकअप करना ही नहीं है बस। अरे अरे, रुको रुको, पकड़ो इसको। अरे अरे, रुको रुको, इधर चलो, चलो यहां बैठो, चलो बैठो। क्या चाचू, छोड़िए ना, हाथ में तुम देंगे नहीं यहां से। चलो चलो शुरू करो। एक निकाल निकाल, पाउडर कहां है, पाउडर कहां है, हाँ, अब हम फेस पाउडर लगाएंगे, 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 और सभी लोग देख रहे हैं, फेस पाउडर लगाने जा रहे हैं, हम लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलो फेस पाउडर लगाना हो गया है, अब हम काजल लगाएंगे। काजल तो काजल लगाया जा रहा है, वाह 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 वाह, और ये आँखों को बहुत ही सुंदर बनाया जा रहा है, काजल लगाया जा रहा है, वाह। अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं फिनिशिंग टच की ओर, अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। गीत को लिपस्टिक लगाई जा रही है, लगाई जा रही है, सब देख रहे हैं, क्या बात है। और ये लिपस्टिक लगाई जा रही है, लगाई जा रही है, लगाई जा रही है, लगाई जा रही है, ये बस लिपस्टिक हमने लगा, लिपस्टिक पर खत्म हुआ, मेकअप भी पूरा हुआ। जमुना, ए जमुना। हाँ माँ। कब निकलोगी तुम? माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ मैं कैसे निकलूं? मैं तुम्हारे ससुर को बोल दूंगी कि तुम संगीत के साथ बैंक गई हो लॉकर से गहने लेने। लेकिन
मेरी बात ध्यान से सुनो, सिर्फ 2 घंटे का समय है, उसके बाद तुम्हें लौटना ही होगा, समझ गई? लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, आपके बेटे तो? वो अभी आ जाएगा, उसको सब समझा दिया है, तुम संभल के जाना। हाँ मैं अच्छे से जाऊंगी। माँ माँ मेरा ढोल कहाँ? गाड़ी में रख दिया है, सब व्यवस्था हो गई है, चिंता मत करो, बेस्ट ऑफ लक। माँ माँ आप क्या हुआ? माँ हाँ मैं ऊपर जा रही हूँ। हाँ तुम आराम से जाना। मुझे शक्ति देना भगवान, मुझे शक्ति देना, मुझे शक्ति देना। क्या हुआ, क्या है, क्या हुआ, तुम लोग क्या कर रहे हो, कोई बताएगा? देखिए देखिए भाभी, देखिए आपकी बेटी को कितना सुंदर सजाए हैं, आके देखिए। हाँ माँ माँ देखो देखो ना, इन्होंने मेरे चेहरे का क्या हाल किया, चाचू भैया फूफा जी सबने मिलकर ये सब किया है, स्नो पाउडर लगाकर जोकर बना दिया है मुझे। अच्छा 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 शांत हो जाओ। अच्छा तुम लोगों ने ये सब क्या किया है, इसको पूरा भूत बना दिया है। तुम लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला है, चलो चलो तुम सब नीचे जाओ और अपना काम करो, मैं अपनी बेटी को सजा लूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सजाऊंगी, कम सजाऊंगी, बहुत खूबसूरत लगोगी, ठीक है, ससुर जी को भी अच्छी लगोगी, बहुत प्यार से सजाऊंगी। फर्स्ट राउंड में तो लड़के हार गए हैं, अब सब लोग पॉइंट सुनो, 1 पॉइंट हमारा और लड़कों का 0। क्या हुआ हाँ संजय, हमारा 0 पॉइंट, हम हार गए क्या? चिंता मत कीजिए, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी बहुत कुछ बाकी है, वो भी तो बाकी है ना। क्या? खाना लगाने की बारी, अतिथि सत्कार, देखें तो कैसे जीतते हैं। लेकिन संगीत, ये संगीत कहाँ चला गया? मुझे ना बहुत डर लग रहा है। जमुना डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा, देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा 2 घंटों में हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। और लॉकर वाले गहने, उनका क्या होगा? जमुना गहने माने निकाल के रख लिए, सब घर में रखा हुआ है। जमुना आज लेकिन तुम्हें बढ़िया परफॉर्म करना होगा। करूंगी, बढ़िया ही करूंगी, मैं आज तक का सबसे अच्छा करूंगी, जितना भी सीखा है सब कुछ आज करूंगी, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। साथ ही तो हूं मैं जमुना। आइए आइए, स्वागत है, आइए। हाँ आइए, इधर से आइए। हाँ आइए, ओ स्वागत है, आइए। नमस्कार, रास्ते में कोई दिक्कत तो? बिल्कुल नहीं, आइए 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 आइए। नमस्कार नमस्कार। हाँ सुनो कल्याण, अपनी भाभी को बुलाओ। हाँ भैया बुलाता हूँ, आइए बैठिए। यहाँ पर क्या कर रही हो, भाभी कहाँ है? भाभी तो गीत को सजा रही है भैया। अरे तो जल्दी से बुलाकर लाओ ना। अच्छा बुला कर, ठीक है ठीक है। संजय क्या बोलना था, मैं भूल गया। अंकल ये मेरे पापा माँ और ताया जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार। हम लोग 2 दिन बाद आने वाले थे लेकिन 2 दिन पहले ही आ गए। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देरी कैसी। आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं, इतनी दूर से आए हैं, रास्ते में थक गए होंगे।
हाँ वो तो है, लेकिन बहुत दिनों के बाद देश लौटा हूँ, यही खुशी है। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी गीत तैयार हो गई है क्या? देखो तो मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची, देखो ना। छोटे भैया संजय, वेद, संगीत, इन सब ने इतनी अच्छी बच्ची को भूत बना कर रख दिया था। खैर छोड़ो, बड़ी भाभी लड़के वाले आ गए हैं, चलो जल्दी चलो। कामिनी, क्या वो लोग सच में आ गए? हाँ बड़ी भाभी वो लोग आ गए, आप चलिए जल्दी चलिए। हाँ एक काम करो, तुम गीत को ले आओ, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, वो लोग कैसे हैं कुछ बताना, कुछ समझ आया? देखकर क्या पता चलेगा बताइए आप। जैसे वो वेद के पापा हैं, बिल्कुल लंबे चौड़े, वेद की तरह लंबे चौड़े। लेकिन आप जानती हैं कि बड़ी भाभी, दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे वो बहुत खाता है। हमारा दामाद भी कम लंबा थोड़ी है। सिर्फ दामाद, हमारी तो बेटी भी लंबी है। अच्छा सुन, और कौन कौन आया है? वेद की माँ आई है और वेद के चाचा भी आए हैं। अब ये सब कुछ छोड़ो ना, चलो ना जल्दी, चलो ना भाभी आप चलो जल्दी। सुनो, तुम लोग गीत को लेकर आना। हाँ। तुम मेरे साथ चलो। दीदी मन में लड्डू फूटा क्या? खुशी तो देखो, दो दिन में शादी। हाँ गीत, तुम्हारी भी शादी हो रही है, लेकिन देखो मैं तुमसे पूरे 2 महीने बड़ी हूँ। बड़ी होने से क्या होता है, तुम तो केदार राय की बेटी हो, तुम्हारी जिंदगी में जब तुम जो चाहो तुम्हें वो मिल जाएगा, सही है ना? और हम लोग तो ऐसे ही हैं। अरे छोड़ो ना ये सारी बातें, आज तो बहुत अच्छा दिन है, सब अच्छी बातें करेंगे, कोई दुखी नहीं होगा। चलो चलो। भाभी जाइए। लीजिए आ ही गई, आपसे परिचय करवा दें, मेरी पत्नी अनुराधा। नमस्ते। 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 नमस्कार। नमस्कार। आंटी, मेरे पापा, माँ और ताया जी। हाँ पहचान लिया। अच्छा, लेकिन पहले हम लड़की को देखेंगे। हाँ, लड़की की माँ को देखकर पता चल गया कि लड़की भी बहुत सुंदर होगी। आप लोग बैठिए, गीत अभी आ रही है, जाओ गीत को देखो। हाँ हाँ भाभी। अरे वो देखो गीत आ रही है। सबका आशीर्वाद ले लूं? ठीक है ठीक है। मंगल हो। अरे रहने दे बेटा, मेरे क्यों?
बैठो। वाह, मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है। आखिर बेटा किसका है? आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। बड़ी भाभी आप कहाँ जा रही है? मैं किचन में जा रही हूँ, नाश्ते पानी का देखकर आती हूँ। पिज्जा बनाया है और मिठाई भी बनाई है, अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम यहाँ ध्यान रखना, मैं बस आ ही रही हूँ। हाँ। जाइए। क्या हुआ बड़ी भाभी, आज घर में इतना कुछ हो रहा है, इतनी तैयारियां, इन सबके बीच इस घर के बड़े दामाद को भूल गई? उन्होंने कौन सा अन्याय किया, कौन सा पाप किया है उन्होंने? राकिनी, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपकी प्यारी और आदर्श बहू जमुना कहाँ है? जमुना? हाँ, जमुना कहाँ है वो? प्रतियोगी सुधीर मिश्रा, ये आए हैं उन्नाव जिला से। इनका वाद्य यंत्र है पखावज। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बताया था ना, गीत। चुप रहो, क्यों तुम्हारी पत्नी से बात नहीं कर सकता हूँ? नहीं नहीं, वो बात नहीं है वेद, उन्हें बात करने दो। हमारी लड़की है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। हमारे घर की लड़कियाँ सब अच्छी हैं, आप चाहें तो परख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, परखेंगे तो जरूर। हाँ, पारस के पत्थर पर रगड़ के परख के देखेंगे। इस बार प्रदर्शन के लिए ढोल बजाने आ रहे हैं, और वो है कानपुर से, नाम धीरेंद्र दास। सुन, उस दिन दार्जिलिंग वाली चाय पत्ती लेकर आई थी ना मैं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा था, उसी की चाय बनाना, समझ गई ना? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। घर में लड़की देखने आए हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाना चाहिए, समझ गई ना? हाँ, 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 सब ठीक होगा, आप घबराओ नहीं, आप जाओ। ठीक है, तो जल्दी कर। हाँ, हाँ, ठीक होगा।
सब ठीक तो है? हाँ अभी तक तो सब ठीक है, पर माँ कहाँ है? माँ वो तो वो रही, माँ आइए, माँ आइए आइए, मेरी सासू माँ। नमस्ते, नमस्ते। बैठिए बैठिए माँ, आप यहाँ बैठिए। जी कैसी लगी आपको मेरी पोती? शादी का दिन हमने सोच लिया है। रुकिए रुकिए बड़ी माँ, पहले बात तो कर लें। बात कर लें मतलब? बात तो हो ही गई है, सिर्फ शादी की तारीख तय करनी रह गई है। हाँ तारीख तो बाद में तय होगी, उसके पहले ये जानना होगा कि लड़की कैसी है, कैसे बड़ी हुई है और माँ बाप ने क्या सिखाया है। किसी को घर की बहू बनाने से पहले ये तो जानना ही होगा ना, क्या बोलते हो? हाँ हाँ आपस में बात कर लीजिए, हमारी लड़की तो लाखों में एक है, साक्षात लक्ष्मी है, आपके घर को भी रोशन कर देगी। अच्छा आपका बेटा नहीं दिख रहा? आपका बेटा संगीत वो कहाँ है? उसकी भी शादी हो गई है ना, आपकी बहू की भी तारीफ सुनी है। हाँ मेरी बहू बहुत अच्छी है। अच्छा बहू कहाँ की है, देश की है या विदेश की? जरूर बहुत बड़े घर की बेटी होगी। हाँ सही कह रहे हैं, बहुत बड़े घर की बेटी है। हाँ इतना बड़ा परिवार है आप सोच भी नहीं सकते। हाँ मेरी बहू का रूप तो सुंदर है ही, उसके सारे गुण भी बहुत सुंदर है। बहू तुम्हारा पति तो आज बहू का गुणगान कर रहा है। हाँ भैया ने सही कहा है, और हमारी बेटियां भी खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कहे तो एकदम घरेलू लड़कियां हैं। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? रागिनी का शुरू हो गया आग लगाना। ऐसी ही तो लड़की चाहिए। वो देखिए नाश्ता भी आ गया, आजा मेरी मदद कर जरा। शुरू कीजिए। क्या हुआ, बैठे क्यों है, खाना शुरू कीजिए ना। अरे अरे इतना सब कुछ क्यों बनाया? इतना भी नहीं है, फिश फ्राई, होममेड पिज्जा बस, और थोड़ा सा पास्ता। आप लोगों को कॉन्टिनेंटल पसंद होगा है ना, बस इसलिए बनाया। अरे नहीं 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 हम लोग ये सब नहीं खाते। मेरा भाई शुद्ध हिंदुस्तानी है,
विदेश में रहता है पर विदेशी खाना नहीं खाता। मतलब आज भी मेरे घर में विदेशी नहीं दाल चावल ही बनता है। हमने तो सोचा था कि आप लोग क्या विदेशी। नहीं नहीं, हम लोग विदेश में रहते हुए भी हिंदुस्तानी ही हैं। हिंदुस्तान ही दिल में है, इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरी बहू खाना बनाने और गीत गाने में पूरी तरह से भारतीय ही हो। नाच गाना हिंदुस्तानी, तब तो सत्यानाश ही हो जाएगा गीत का, कैसे कर पाएगी। इनका बेटा तो प्रेम कर रहा है और इसके माँ बाप का तो कुछ अलग ही सुर लग रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखना कहीं शादी ना टूट जाए। हुँ? पता नहीं, उधर वेद को तो देखो, अपने माँ बाप के सामने बिल्कुल आज्ञाकारी बन रहा है वो। इतने सालों से प्यार करता है, अब पापा ताऊ मिलकर इंटरव्यू ले रहे हैं। एक बार शादी हो जाए फिर मैं लूंगी इंटरव्यू। देखिए, लड़की तो मेरी बुआ जी ही देखेंगी, मतलब हमारे घर की सबसे बड़ी है वो। उनके पहले तो हम यूं ही देखने आ गए, लड़की कैसी है, नाचती है गाती है। अच्छा बेटा, खाना बनाना आता है? नहीं, मतलब खाना वाना बोल रहे हैं तो। ठीक है ठीक है ठीक। बेटा ये बताओ कि दाल में तड़का कैसे लगाते हैं? दाल में तड़का मतलब? अरे नहीं पता? नहीं मेरा मतलब। अच्छा बताओ तो मछली को कैसे बनाते हैं? सरसों का दाना देखा है? सरसों इलिश मुझे बहुत पसंद है। देखो कैसे बत्तीसी दिखा के हंस रहा है। एक बार शादी हो जाए फिर मैं इसका ऐसा हाल करूंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी बेटी को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है। ये घर में खाना बना बनाना मैंने कभी थोपा ही नहीं इस पर। मैं जानती हूँ, पर हर लड़की को हर परिस्थिति के लिए तैयार करना भी तो जरूरी है ना भाई साहब। हमारे पास भी दौलत कम नहीं, इससे खाना नहीं बनवाएंगे, पर कभी मन हुआ कि आज बहू के हाथ की दाल रोटी खानी है तो बहू होटल से मंगा कर तो नहीं खिलाएगी। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं है, मैं कुछ और ही कहना चाहता था। बेटा आज तुम एक काम करो, आज के दिन तुम अपने हाथ का पराठा और छोले बना के ले आओ। हाँ? हम लोग वही खाएंगे। अगले प्रतियोगी हैं देव पटेल, वो आए हैं आगरा से और उनका वाद्य यंत्र है तबला। Thank you.
ठीक रहेगा, जाओ बेटा जाओ। हाँ हाँ जाओ ना, जब ये लोग बोल रहे हैं तो जाओ। हाँ हाँ गीत जाओ। गीत जाओ ना। जा रही हूँ जा रही हूँ। जाओ बेटा जाओ, हम लोग तब तक बात करते हैं, तुम पराठे और छोले बना कर ले आओ। सत्यानाश हो गया, गीत बनाएगी पराठा। गीत चल। नहीं नहीं आप कहीं मत जाइए, ये खुद ही बना कर ले आएगी। आप यहाँ बैठिए ना, हमारे साथ आकर बातें कीजिए। गीतु बहुत चालाक है, हेल्प भी करने नहीं देगी। क्या हुआ, बैठी क्यों हो, जाओ। रुको, चिंता मत करो, हो जाएगा, ट्राई तो करो, जाओ। जाओ बेटा। अब ये क्या करेगी, जमुना कहाँ रह गई, जमुना कहाँ हो तुम? जमुना ढोली ढोल प्रस्तुत करने आ रही है, वो आई है कुसुमपुर गांव से। जीतना होगा, हर एक घर की बहू के लिए दिखा देना होगा। लड़कियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं, क्या नहीं कर दे। जीतना होगा तुझे, तुझे दिल लगा के प्रैक्टिस करनी हो, तुझे जीतने के लिए जो जो करना है वो सब कुछ कर, सब कुछ कर जमुना, मैं हूँ तेरे साथ। अच्छा ये जमुना कहाँ गई है? आप लोगों के बीच में कोई टेंशन है क्या? नहीं नहीं नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, हमारे घर की लड़की है, कोई चिंता ही नहीं, बेलन उठाएगी और सटासट सटासट सटासट। सटासट 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 क्या है? हाँ
ये क्या है? क्या है ये? पराठा। हाँ? सत्यानाश, ए, तो थोड़ा थोड़ा करके सीखा क्यों नहीं? हाँ? चुप रहिए आप, आपको आता है बनाना? हुँ? अब बातें मत बनाइए, काम करने दीजिए। अरे बाप रे, बहू रानी, जमुना कहाँ है? हाँ, जमुना, जमुना घर में ही है, घर में ही है। और वो संगीत भी नहीं दिखाई दे रहा है, ताज्जुब की बात है, घर में मेहमान आए हैं और। अरे हाँ, आप अपने बेटे और बहू से तो मिलवाइए। ठीक कह रहे, मैं जाकर देख कर आता हूँ, एक मिनट। सुनिए ना, आप यहाँ इनके साथ बैठकर बात कीजिए ना, मैं देख कर आती हूँ। अरे नहीं अनु, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ, तुम रुको यहीं पर रुको। सुनिए ना, सर्वनाश हो गया, क्या होगा अब, वो तो घर में नहीं है। संगीत, जमुना, संगीत, ये दोनों कहे कहाँ? हाँ हाँ पापा, आपने बुलाया? ये क्या है संगीत, तुम यहाँ पर हो? नीचे सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मिलोगे नहीं उनसे? हाँ मैं तैयार हूँ, मैं आने में थोड़ी थोड़ी देर हो गई। देर हो गई का क्या मतलब, कहाँ गए थे? पापा मैं वो टॉयलेट गया था। टॉयलेट से आने में देरी हो गई मतलब, क्या कर रहे थे टॉयलेट में? टॉयलेट में मैं पापा, असल में मेरा पेट खराब हो गया था, वो फूड पॉइजनिंग हो गया। ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम एक काम करो, आज तुम कुछ भी उल्टा पुल्टा मत खाना, फास्टिंग में रहना वरना तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। हाँ, ध्यान से फास्टिंग करना। और हाँ, 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 वो जमुना कहाँ है? जमुना? हाँ जमुना, जमुना, जमुना किचन में ही होगी। ये क्या है, पराठा? गई। अच्छा सुनो, उन लोगों ने ना मुझे पराठा बनाने के लिए कहा है। ये क्या बात हुई, उनका बेटा मुझसे इतने दिनों से प्यार करता रहा और अब ये लोग मुझसे पराठा बनवा रहे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसीलिए कहती थी ननद जी, कभी रसोई घर भी देख लिया। फालतू बात मत करो तुम जमुना। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी, जा रही हूं। नहीं, 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 नहीं। सुनो ना, तुम मेरे लिए पराठा बना दोगी प्लीज? बना दूंगी।